हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल म्यूजिक वर्ल्ड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी न्यूज में लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं आज के न्यूज को। तो पहले बात कर लेते हैं उन हिंदी सॉन्ग्स के बारे में जो आने वाले हैं। पहले न्यूज है कनिका कपूर के बारे में। कनिका कपूर का न्यू सॉन्ग आने वाला है, इसका नाम है जुगनी 2.0 एंड ये सॉन्ग आने वाला है जी म्यूजिक कंपनी के चैनल पे। ये सॉन्ग कब तक आएगा अभी तक उन्होंने ये बताया नहीं, पर देखते हैं सॉन्ग कैसा होगा और ये कब तक आने वाला है। अब देख लेते हैं उन हिंदी सॉन्ग्स को जो रिलीज हो चुके हैं। पहली न्यूज़ है रामजी गुलाटी के बारे में। तो इनका न्यू सॉन्ग आ चुका है टी सीरीज चैनल पे एंड इसका वीडियो सॉन्ग फीचर कर रहे हैं जन्नत जुबेर एंड मिस्टर फैजू एंड इस सॉन्ग ने एक ही दिन में 5.7 मिलियन व्यूज एंड 437 के लाइक कम्प्लीट कर लिए हैं। इस समय नंबर 37 के ट्रेंडिंग पे भी है ये सॉन्ग। तो अगली न्यूज़ अर्जुन ब्लांको एंड 47 के बारे में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनका एक न्यू कॉलेब सॉन्ग आने वाला है, इसका नाम है स्टैच्यू एंड ये सॉन्ग आ चुका है एंड इस सॉन्ग ने 23 आवर में ही 371 के व्यूज एंड 14 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। ये सॉन्ग आया हुआ है स्टेलिंग रिजर्व म्यूजिक प्रोजेक्ट के चैनल पे। तो न्यूज़ अंकित तिवारी के बारे में। अंकित तिवारी का न्यू सॉन्ग आ चुका है, इसका नाम है मैं नहीं जाऊंगा एंड इसके वीडियो सॉन्ग फीचर कर रहे हैं महेश केचवाला एंड अनाया शाह एंड इस सॉन्ग ने एक ही दिन में 611 के व्यूज एंड 122 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। ये सॉन्ग आया हुआ है वॉयला डिगी चैनल पे। अगली न्यूज एम ए बंटाई एंड कारा मारनी के बारे में। तो इनका एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, इसका नाम है डोंट बी द वन एंड इस सॉन्ग ने एक ही दिन में 3.8 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं एंड 544 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। ये सॉन्ग आया हुआ है एम ए बंटाई के चैनल पे एंड ये सॉन्ग इसमें 15 के ट्रेंडिंग पे भी है। अगली न्यूज स्टीवन बेन के बारे में। स्टीवन बेन का न्यू सॉन्ग आ चुका है, इसका नाम है चलो के निशान एंड इस सॉन्ग ने एक ही दिन में 12 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, 95 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं। ये सॉन्ग आया हुआ है जी म्यूजिक कंपनी के चैनल पे। और न्यूज है कुली नंबर 1 मूवी के बारे में। तो कुली नंबर 1 मूवी का न्यू सॉन्ग आ चुका है, इसका नाम है मिर्ची लगी तो एंड इस सॉन्ग ने एक ही दिन में 15 मिलियन व्यू कंप्लीट कर लिए हैं। इस सॉन्ग का लाइक एंड डिसलाइक बटन का रेशियो ऑफ किया गया है एंड ये सॉन्ग इस समय नंबर 2 के ट्रेंडिंग पे है। ये सॉन्ग एक रीमेक है एंड इस सॉन्ग के सिंगर है अलका यांगनी एंड कुमार सानू। तो अगली न्यूज है नेहा कक्कर एंड रोहनप्रीत सिंह के बारे में। तो इनका एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, इसका नाम है ख्याल रखा कर एंड इस सॉन्ग ने 5 आवर में 4.1 मिलियन व्यूज एंड 619 के लाइक कंप्लीट कर लिए हैं एंड इस समय नंबर 1 के ट्रेंडिंग पे है एंड ये सॉन्ग आया हुआ है देसी म्यूजिक फैक्ट्री चैनल पे। तो मुंबई के एक नाइट क्लब में गुरु रंधवा एंड बादशाह पार्टी कर रहे थे 2:30 AM तक एंड कोविड के समय ये रूल है कि 11 बजे के बाद आप पार्टी नहीं कर सकते। तो उसी नाइट क्लब में पुलिस ने रेड की जहाँ बहुत सारे और सेलिब्रिटीज भी थे जैसे कि सुरेश रैना, सुसैन खान एंड गुरु रंधवा एंड सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि वहाँ बादशाह भी प्रेजेंट थे, पर जब रेड पड़ा था बादशाह पीछे के गेट से निकल गए। पर अभी इन सारे सेलिब्रिटीज का बेल हो चुका है। तो अगली न्यूज है BTS के बारे में। तो अगर आप एक BTS फैन हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि ये न्यूज बहुत वायरल हो रहा है कि BTS ने कहा है कि वो बहुत जल्द अपना कॉन्सर्ट इंडिया में भी करेंगे कोविड के बाद एंड ऐसे रूमर्स भी है कि वो कोविड के टाइम पे भी आ सकते हैं कॉन्सर्ट के लिए। तो मुंबई पुलिस ने इसी बारे में BTS फैन को वार्न करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वी जो कि BTS के एक मेंबर है उनका छोटा सा लिरिकल वीडियो शेयर करते हुए उनके फोटो के साथ ये लिरिक्स कहा, ब्रिंग ए फ्रेंड जॉइन द क्राउड हूएवर वाना कम अलोंग द कॉप फाउंड अ परफेक्ट रिस्पांस। और उन्होंने उस पोस्ट का कैप्शन दिया, नो नो नॉट टुडे लव योरसेल्फ स्टे इनडोर #डायनामाइट डेंजर ऑफ कोरोना वायरस एंड इस पोस्ट के नीचे ब्रिटिश आर्मी ने पर्पल हार्ट के साथ कमेंट भी किया। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहली न्यूज है टेलर स्विफ्ट के बारे में। उनका न्यू एल्बम विलो ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, जैसे कि उनके एल्बम विलो ने बिलबोर्ड हॉट 100 सॉन्ग चार्ट पे इस हफ्ते नंबर 1 पे डेब्यू किया है एंड बिलबोर्ड 200 पे नंबर 1 पे है एंड इस एल्बम से टेलर स्विफ्ट ने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 आर्टिस्ट के बारे में। नंबर 10 पे है मेरिया कैरी, नंबर 9 पे है बिली आइलिश, नंबर 8 पे है लुक कॉम्स, नंबर 7 पे हैरी स्टाइल्स, नंबर 6 पे PTS ऑफिशियल, नंबर 5 पे माइकल बुबले, नंबर 4 पे आरियाना ग्रांडे, नंबर 3 पे है BTS, नंबर 2 पे है किड कुडी एंड नंबर 1 पे है टेलर स्विफ्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी न्यूज़ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।